आज हम आपको उत्तराखंड की सबसे बड़ी खबर सुनाने जा रहे हैं। उत्तराखंड को मिला है नया मुख्यमंत्री। जी हाँ, अब उत्तराखंड में नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संभालेंगे प्रदेश की कमान। देहरादून में आज विधानसभा मंडल दल की बैठक हुई, जिसमें सभी विधायकों की सहमति के बाद पुष्कर सिंह धामी को सीएम बनने का फैसला लिया गया है। युवा नेता और युवाओं में अच्छी पकड़ रखने वाले नेता पुष्कर सिंह धामी होंगे उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री। चलिए तो अब आपको बताते हैं कि कौन है पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी का नाम सीएम पद की दौड़ में था, जिसमें उन्हें जीत हासिल हुई है। उधम सिंह नगर जिले की खटीमा सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे पुष्कर सिंह धामी लगातार दूसरी बार से विधायक है। पूर्व मुख्यमंत्री एवं वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के करीबी माने जाने वाले धामी भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष समेत पार्टी में अन्य पदों पर कार्य कर चुके हैं और युवाओं में उनकी पकड़ को बेहतर माना जाता है। बेरोजगारी के साथ ही विकास के मुद्दों को लेकर बहुत प्रखर रहे हैं पुष्कर सिंह धामी को लेकर याद किया जाता है कि 2002 से 2008 का वह दौर, जब उन्होंने पूरे प्रदेश में भ्रमण कर अनेक बेरोजगार युवाओं को संगठित कर विशाल रैलियां की थीं। सरकार से राज्य के उद्योगों में युवाओं को 70% आरक्षण दिलाने की घोषणा कराना उनकी बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।